इंदौर लोकायुक्त ने नगर निगम के दरोगा को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। इंदौर नगर निगम जोन क्रमांक 12 हरसिद्धि जोन में सफाई कर्मचारी के पद पर पूर्व में काम करने वाला सफाई कर्मी का वेतन रुका हुआ था। वहीं कर्मचारी को 3 महीने की पेंशन भी नहीं मिली थी, जिसे लेकर निगम दरोगा सोनू बेंदवाल ने कर्मचारी से 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की, जिस पर कर्मचारी ने 2 किश्तों में पैसे देने की बात कही और पहली किश्त देने के बाद फरियादी ने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत कर दी, जिसके बाद सत्यापन के बाद शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त टीम ने आरोपी दरोगा सोनू को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। नगर निगम में पदस्थ एक सफाई कर्मचारी है जिनका नाम अर्जुन उटवाल है। इन्होंने कल पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त कार्यालय में आकर शिकायत की थी कि रोहित बंडवाल जो दरोगा है वार्ड क्रमांक 66 में है और जोन क्रमांक 12 में आते हैं, उनके द्वारा अक्टूबर माह में और उसके पहले के 3 महीनों का जो वेतन था वो पूरा निकालने के लिए 25,000 रुपये फुल रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी। तो उनकी शिकायत पर सत्यापन किया गया, जो सही पाए जाने पर आज लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए दरोगा रोहित बंडवाल को आवेदक से 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।